हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे और अदर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको इजी होगा और आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है अर्थमेटिक सीरीज। डियर, आपको क्वेश्चन अर्थमेटिक सीरीज के बेस पे आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, 15। डियर, अर्थमेटिक सीरीज जो होती है उसमें डिफरेंसेस जो है कंसेक्यूटिव नंबर के वो सेम रहते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 5 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस है, 7 और 9 के बीच भी 1 का डिफरेंस है, ऐसे इन सभी नंबर्स के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो इनको अर्थमेटिक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर बेस्ड सीरीज क्वेश्चंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में नंबर की स्क्वायर्स होती हैं। इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25। दोस्तों, ये क्या है, 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है। तो आगे आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 की स्क्वायर आएगी, विच इज 36। इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप 30 तक की स्क्वेयर्स याद करके रखें। क्यूब बेस्ड सीरीज भी स्क्वेयर बेस्ड सीरीज जैसी ही होती है। जैसे आपको क्वेश्चंस में आ जाएगा लिखा हुआ 64, 125, 216, 343 एंड आगे आपसे कोई नंबर पूछ लेंगे, तो आपको पता है ये 4 की क्यूब होती है, 5 की क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है, 7 की क्यूब होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 की क्यूब आ जाएगी। तो आपको एटलीस्ट 10 तक की क्यूब्स भी लर्न होनी चाहिए ताकि आप कम समय में अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। मल्टीप्लीकेशन सीरीज में क्या होता है डियर, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं हम इसको। जैसे हमें गिवन है 2, 3, 5, 9, 17, 33 एंड 65। अब डियर, अगर हम इनके डिफरेंसेस को चेक करें तो 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, देन नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा आपका 64 होगा। तो इसके जहाँ यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, विच इज 129। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिवीजन बेस्ड। डिवीजन बेस्ड में क्या होता है, जैसे इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, जैसे 600, 600, 300, 125। तो ये सीरीज देखने में पता लग जाती है कि ये लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर में कन्वर्ट होती जा रही है, तो ऑब्वियसली ये डिवीजन हो रही होगी। आप यहाँ पे देखो, कब यहाँ पे 600 आएगा, जब 1 से डिवीजन होगी, और 300 कब आएगा, जब 2 से डिवीजन होगी, ऐसे ही 100 कब आएगा, जब 3 से होगी, 25 कब आएगा, जब 4 से होगी, और ऐसे ही आगे 5 से होगी, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डियर। नेक्स्ट वन है आपका मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है, ऐसे टाइप की सीरीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, किसी के भी बेस पे ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसको भी अच्छे से देखने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा। 180, 179, 187, 160, 224 एंड नेक्स्ट हमें बताना है।
तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 180 के बाद हमें 179 दिया, उसके बाद फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे, 180 माइनस 1 की क्यूब, तो हमारे पास क्या आता है 179। इन द सेम वे इसी नंबर को उठाएंगे, 179 प्लस 2 की स्क्वेयर करेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 2 की क्यूब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 187। तो ऐसे ही इसी नंबर को आगे लेंगे, 187 माइनस 3 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। तो दोस्तों ऐसे ही इसको सॉल्व करते रहना और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक बार क्यूब माइनस हो रहा है 1 की, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड सीरीज के बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं। डियर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3691, 6931, 9361, 3691। अभी सीरीज में देखिए 3691 है, आप सारे नंबर में एक चीज चेक करो कि 1 सेम पोजीशन पे है, ठीक है, और जो 369 की पोजीशन है वो इंटरचेंज होती जा रही है, 3 पीछे जा रहा है। तो जैसे ये तीन नंबर है, 1 2 3 1 की, तो यहीं पे पोजीशन है 369, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, 3 यहाँ पे आ रहा है तो 693 बन रहा है, फिर 6 पीछे जा रहा है तो 936 बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें 693 बना, फिर 9 आगे आ गया और आपका 936 बन गया, फिर 3 आगे आ गया तो 369 बन गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 6 पहले आ जाएगा, फिर 9 आएगा और 3 पीछे चला जाएगा, और 1 की पोजीशन तो सेम वही रहेगी, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड 6931। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में 5 के बाद आ रहा है 11, 24, 51, 106, एंड यहाँ पे हमें बताना क्या आएगा। तो 11 चेक करते हैं कैसे आया है, 5 × 2 + 1 11, देन 24 कैसे आया, 11 × 2 + 2 24, देन 24 × 2 + 3 51, इन द सेम वे 51 × 2 + 4 इक्वल्स टू 106, देन 106 × 2 + क्या आएगा 5 इक्वल्स टू 217, जो कि हमारे ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन है, आपका राइट आंसर है। अब इसमें देख रहे हो कोई भी नंबर था जो हमें गिवन था, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और कंसिक्यूटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऐड होते जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट नंबर ही मिसिंग है और आगे वाले नंबर हमें गिवन है, तो हम पीछे से अगर जाना स्टार्ट करें तो 79, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39, 19, 9, और इसको बताना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है डियर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 का है, देन इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे तो 20 का रह जाता है, और इन दोनों के बीच 10 का रह जाता है। तो अब यहाँ से एक चीज इवेल्युएट करके देखिए, पहले 40 था फिर 20 हो गया, मतलब 40 का हाफ हुआ फिर 20 का हाफ हुआ, अब 10 का हाफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब इनका इन यहाँ पे जो डिजिट आना चाहिए और यहाँ पे 9 है, इनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो 9 - 5 कितना होगा, 4। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 30, 62, 189, 760, एंड नेक्स्ट में क्या आएगा। तो डियर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, 30 × 2 + 2 डेट इज 62, देन 62 × 3 + 3 189, देन 189 × 4 + 4 इक्वल्स टू 760, देन 760 × 5 + 5 इक्वल्स टू
3805। तो मैं यही बताना था यहाँ पे क्या आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था हम यहाँ पे सिर्फ टू के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा रहे थे, बट अब यहाँ पे टू थ्री फोर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही नंबर्स के साथ ऐड करा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं डियर, 6, 8, 17, 19, 28, 30। डियर इस क्वेश्चन में आप अल्टरनेटिव डिफरेंसेस चेक करिए, हमें यहाँ पे बताना क्या आएगा और इसके बीच का डिफरेंस। ये 6 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 11। 28 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 11। 19 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 11। 30 और 19 का डिफरेंस कितना होता है, 11। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो नंबर आना है और 28 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा। तो जब हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 39, विच इज ऑप्शन फोर। सिक्स क्वेश्चन में 8, 15, 28, 53 एंड ये हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे 8 × 2 − 1 ठीक है, उसके बाद 15 × 2 − 2 करते हैं तो हमारे पास 28 आता है। जब हम 28 × 2 − 3 करते हैं तो हमारे पास 53 आ जाता है। इन द सेम वे 53 × 2 − 3 हो गया था, 4 करेंगे माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 102। तो यहाँ पे 102 फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। डी ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि सडनली ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम चेक करते हैं, अगर हम 6 × 2 करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, इंटू 3 करें तो 36 आ गया, इंटू 4 करें तो 144 आता है, इंटू 5 करें तो 720 आता है, इंटू 6 करें तो हमारे पास 4320 आता है, और इंटू जब 7 करेंगे तो 4320 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 04230। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 30240, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है 9, 21, 45, 93 फाइंड आउट करना है हमें और 381। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 9 × 2 = 18 + 3 तो हमारे पास कितना आता है, 21 आता है। इन द सेम वे 21 × 2 42 + 3 = 45 आ गया। इन द सेम वे 45 × 2 + 3 93 आ जाएगा। ऐसे ही हम 93 × 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 189, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट गिवन है। नाइन्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स आप खुद अटेम्प्ट करके देखो, अभी हमने पीछे ये फिफ्थ और फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही सेम कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, अगर तो आपने क्यूब करी है तो देखने में ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 1-2 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख रहे हो कि ये 1 की क्यूब है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, देन यहाँ पे 7 की क्यूब होगी, 7 की क्यूब 343 होती है, तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन में डियर क्या करना है, 1, 4, 2, 3, 2। इस क्वेश्चन में भी पहले 1 है, फिर 4 है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। समटाइम ऐसे क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, तो हम वही करते हैं। 1 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और 2 और
टू के बीच कितने का डिफरेंस है, जीरो का डिफरेंस है। मतलब पहले वन का डिफरेंस था फिर जीरो का डिफरेंस था। इन द सेम वे हम चेक करते हैं फोर और थ्री के बीच कितने का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है। और थ्री और आगे जो नंबर होना चाहिए उसके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो का ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी वन और जीरो का डिफरेंस था और यहाँ पे भी वन और जीरो का होना चाहिए। तो थ्री में से क्या माइनस करेंगे कि जीरो आ जाए, थ्री माइनस करेंगे। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। 12th क्वेश्चन देखते हैं डियर। 22, 22, 23, 20, 16, 17, 17। आप भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दोस्तों इनमें भी हम डिफरेंसेस चेक करते हैं। 22 और 23 के बीच प्लस वन का डिफरेंस है और 23 और 16 के बीच -7 का डिफरेंस है और 16 और 17 के बीच अगेन प्लस वन का डिफरेंस है। डेट मीन्स ये सीरीज चल रही है हमारी प्लस वन -7 प्लस वन अगेन। अल्टरनेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए, -7 का। तो 17 -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया 10। देन इन नंबर्स को देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, -2 का। देन इनके बीच डिफरेंस कितना है, -3 का। और 17 और इसके बीच डिफरेंस, अब आप देखो पहले -2 का था फिर -3 का था, अब हम -4 रख के देखते हैं। -4 रखने पे हमारा यहाँ पे कितना आता है, 13 आता है। और आगे भी 8 हमें गिवन है तो चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं है। तो -4 था, अब हम कितना रखेंगे, -5। तो 13 -5 करते हैं तो 8 आता है। तो जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है, 13 और 10 आपका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन फोर्थ। 13th क्वेश्चन देखते हैं डियर। 13th क्वेश्चन में क्या है, 2, 7, 27, 107। अब हमें देखना है 7 कैसे आया है। 2 + 5 करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। और 7 + 5 × 5 यहाँ से लिया, × 4 करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। फिर इसी नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे प्लस इन नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 20 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करने पे हमारा आ जाएगा 80 + 27, हमारा आ जाएगा 107। ऐसे ही हम इस नंबर को अगेन यहाँ पे लिखेंगे 107 + कितना बन गया ये हमारा 80। तो 80 × किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 के साथ ही, तो हमारे पास आ जाएगा 427। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। 14th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 14th क्वेश्चन में 0, 4, 18, 48 ये हमें फाइंड आउट करना और 180 गिवन है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। 0³ - 0² करें तो हमारे पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। 2³ - 2² करें तो कितना आता है, 8 - 4, 4 आ जाएगा। इन द सेम वे 3³ - 3² करते हैं तो 27 - 9 हमारे पास 18 आ जाता है। ऐसे ही 4³ - 4² करेंगे तो हमारे पास 64 - 16 विच इज 48 आ जाता है। इन द सेम वे हम 5³ - 5² करेंगे तो हमारे पास 125 - 25 आएगा जो कि 100 होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, इस वे से आपको इस क्वेश्चन को करना था। 15th क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है 15, 16, 20, 29, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला नंबर। तो इनके बीच का डिफरेंसेस चेक करते हैं। 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। डियर हम कह सकते हैं ये 1 की स्केयर है, 2 की स्केयर है, 3 की स्केयर है, देन यहाँ पे 4 की स्केयर होनी चाहिए विच इज 16। तो 29 + 16 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर है।
सिक्सटीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में 2 into 3, 6 minus 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। देन 3 into 3 minus 3 हमारे पास कितना आता है, 6। देन 6 into 3 minus 3 विच इज 15। देन 15 into 3 45 minus 3 हमारे पास आ जाएगा 42। देन 42 into 3 minus 3 तो 126 minus 3 कितना आ जाएगा, 123। तो सेकेंड हमारा सही आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 1³ - 1=0, 2³ - 2=6, ऐसे ही 3³ - 3=24, 4³ - 4=60, 4³ 64 होती है, -4 करा तो 60 आ गया, तो ये आपका राइट आंसर है। डियर अब मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे क्यूब ही करनी है। जब आप क्यूब लर्न कर लोगे ना तो आपको ये देखते ही चीजें पता लगने लग जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगे आपको पता लगने। तो आप क्यूब प्लीज याद कर लीजिए और स्क्वेयर्स भी याद करके रखिए। आप ये क्वेश्चंस 2 और 3 सेकंड के बीच में सॉल्व कर सकते हो। तो डियर 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप पहले देख लीजिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे सोल्व करा मैंने। 81, 192, 375, 1029 मैंने यहाँ पे करा है। 9² - 0² देन 14² - 2² देन 20² - 5² देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 27² - 9² और ये नंबर कैसे आया हमारा, 35² - 14² करने के बाद। अब डियर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ये चीज कैसे करी है और ये कैसे आया। आप पहले फर्स्ट जो नंबर हमने लिए हैं जिनमें से हमने माइनस कराया उनको लीजिए, 9, 14, 20, 27, 35। अब आप इनके डिफरेंसेस चेक करिए, डिफरेंस कितना है, 14 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का। देन कितने का है, 6, 7 एंड अब कितने का, 8 का है। तो कंसेक्यूटिवली जो नंबर है इंक्रीज होके डिफरेंस इनका बढ़ रहा था, ठीक है। अब दूसरी साइड हम ये वाले नंबर भी ले लेते हैं, इनका डिफरेंस भी देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0, 2, 5, 9, 14 इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। देन 3, 4 एंड 5 इसलिए मैंने ये नंबर्स पिक करे थे। और जब हम इनको पिक करके आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही बन के आएगा, 27² - 9² जो होता है हमारा 648। 27 की स्केयर होती है 729 - 81, तो ये आपका 648 इस तरीके से आ गया। डियर 19th क्वेश्चन है, डिवीजन के बेस्ड पे है, नंबर देखने से ही पता लग रहा है 24 के बाद एकदम 6 आ गया, 18 के बाद 9 आ गया, 36 के बाद भी 9 आ गया, 24 के बाद फिर क्या आना है। तो अगर मैं 24 को डिवाइड करूं 4 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 6 आ जाता है। 18 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूं तो 9 आ रहा है, फिर से मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, फिर से मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, पहले 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर 12 आ गया, जो सेकंड ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं डियर, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप लोगों को क्यूब्स लर्न है।
तो 1 की क्यूब प्लस 1, 2, 2 की क्यूब प्लस 2, 10, 3 की क्यूब प्लस 3, 30, 4 की क्यूब प्लस 4, 68, ऐसे ही 5 की क्यूब प्लस 5, 130। तो सेकंड क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। 21st क्वेश्चन देखते हैं। 3, 11, 38, 102, देन ये फाइंड आउट करना है, और 443। डियर इनके डिफरेंसेस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 8, और इन दोनों के बीच में 27 का है, और इन दोनों के बीच में 64 का बन रहा है। अब एक चीज चेक करते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो डियर ये क्या है, 2 की क्यूब है, 3 की क्यूब है, 4 की क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 की क्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो 102 में हम क्या करेंगे, 5 की क्यूब ऐड कर देंगे, 102 प्लस 125, 722। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट 227। 22nd क्वेश्चन देखते हैं डियर। हमें गिवन है 2, 3, 11, 4, 5, 2, 9, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 8, 9, 8, 9 गिवन है उससे अगला। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 4, 5, 2, 9 माइनस 2, 3, 1, 1, तो डिफरेंस जो आ रहा है 8, 1, 2, 2, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 2, 2, 1, 8। तो गाइज जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 2, 2, 6 का आ रहा है, तो हम 4, 5, 2, 9 में ऐड कर देते हैं 2, 2, 6, तो हमारे पास आ जाता है 5, 5, 7, 6, 6, 7, 5, 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीज कैसे लेके आया हूँ, मतलब ये चीज ऐड क्यों करी है। ये हमें प्रैक्टिस से आता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब पहले यहाँ पे डिफरेंस 2, 2, 1, 8 था, ठीक है, तो अगर हम 4, 5, 2, 9 में 2, 2, 1, 8 ऐड कर रहे हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल के आ रहा था। फिर मैंने देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, मैंने देखा 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है डियर, तो मैंने इसमें 8 और प्लस करके 2, 2, 1, 8 प्लस 8 और करके मैंने 2, 2, 6 लेके आया। देन आगे वाले नंबर में मैंने इसमें ऐड करके देखे 8 और, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस जो पाया वो पाया 2, 2, 3, 4 का। चाहे तो आप एक करके देख सकते हो 8, 9, 8, 9 माइनस 6, 7, 5, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, 4, 3, 2, 2, तो ये राइट हो गया। एक चीज आप और देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 8 का। डेट मीन्स जो हमारी अप्रोच थी क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल सही थी, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4। 23rd क्वेश्चन देखते हैं डियर। 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63, एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 15 प्लस 9 कितना होता है 24, 24 प्लस 15 कितना हो गया 39, 39 प्लस 24 कितना होगा 63। ऐसे ही 63 प्लस 39 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो यहाँ पे 102 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन 3rd है, यही आपका राइट आंसर है। 24th क्वेश्चन देखते हैं। -1, 0, ये हमें फाइंड आउट करना है नंबर 8, 15, 24। हम इनके डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस अगर चेक करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे 7 का। डेट मीन्स ऑड नंबर्स की एडिशन चल रही है अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें।
तो जब हम यहाँ पे 1+ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है। ऐसे ही 1 के बाद में अगर 2 छोड़ दूँ, 3 की एडिशन करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0+3 3 हो गया। 3 में 4 छोड़ के अगर 5 ऐड करूँ तो मेरे पास 8 आ गया। इन द सेम वे आगे हमने पहले सॉल्व कर लिया है कि 7 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, देन 9 ऐड करेंगे तो 24 रहेगा। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड है। 25th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लिख लेते हैं 1, 3, 8, 19 एंड 42। डियर इनका डिफरेंस चेक करते हैं, इनका डिफरेंस है 2, देन 5 का 11 और 42 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने का डिफरेंस बनता है हमारा 23 का। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या नंबर आएगा। 2, 5, 11, 23। अब इनका भी आगे डिफरेंस चेक करके देखते हैं कितने का आ रहा है, 3 का, देन 6 का, उसके बाद 12 का। डेट मीन्स यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। That means 24 का डिफरेंस होना चाहिए। 24 का डिफरेंस कब आएगा, जब इनका सम यहाँ पे होगा। तो 47 माइनस 23 करें तो 24 ही आता है। तो यहाँ पे नंबर कैसे आएगा, जो ये नंबर होते हैं इनको एडिशन करके ये आता है, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, 42 + 47 = 9, 89। तो यहाँ पे 89 आएगा जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने सीरीज का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।